egg.ru. Главное о разном. ये ठीक है, हाथों का ज्यादा इस्तेमाल करो। उसके साथ झगड़ा मत करना, सिर्फ बॉक्सिंग करना, ठीक है? अगर तुम तैयार हो तो गुड लक। रुको रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। मेरे प्रिय, शक्ल संभाल लेना प्लीज।
लीजिए दोस्तों, हम दोहराते हैं हमारे विजेता की निगाह शो की भारी को। हाँ, एक बार और अपने चैंपियनशिप बेल्ट को उठाते हुए निकलाए कुछ शो पूरी तरह से हिस्सा है। फाइनली दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो निकला कुछ शो बहुत दिनों से कह रहा, इसलिए देखिए उसको स्वागत किया जाए। मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? अच्छा सुन, मुझे तेरे से अकेले में बात करनी है, एक मिनट। तुम लोग जाइए, मैं आता हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो, किसी ने मुझे कॉल किया था, एक हफ्ते में हमें अमेरिका में बुलाया, हमें फर्स्ट क्लास टिकट्स, वीज़ास, सब कुछ आने वाला है। एक हफ्ते में आ नहीं पाऊँगा। क्यों? मरीना की जन्मदिन है। मजाक कर रहे हो क्या? मुझे लगता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, उन्होंने हमें स्टेट्स में इनवाइट किया है। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। कोलिया, तुम मेरी बात मानो, इसमें बहुत पैसा है। और मुझे माफ़ करना, मरीना का बर्थडे हर साल आता है और तुम कभी भी उसको मना सकते हो, लेकिन ये मौका एक बार मिलता है, पूरी जिंदगी में एक बार मिलता है, समझ में आ रहा है? एक बार मिलता है। अच्छा, कोई सीक्रेट बात चल रही है? अरे नहीं रे, हमारे बीच में क्या सीक्रेट। चलो होटल चलते हैं, हम खाना खाएंगे, थोड़ी बातें बातें। और हाँ, मुझे कोलिया के साथ एक जरूरी बात करनी थी। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, कल मिलते हैं। अच्छा, तो कल बात करूँ मैं? सुबह उठते ही मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है कोलिया। कोलिया, लेकिन सुनो, कल पक्का कॉल करना, मेरी बात पे ध्यान देना। मैं सच में कॉल करूंगा। ठीक है, ठीक है। बनती है देखिए, पूरी तरह से तैयार एक फाइट के लिए एंड्रयू का सब कुछ पहले ही तय हो जाता है और हमें उसको पूरा मार्क्स देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हैं उनके फैंस चिल्लाते हुए कॉलिंग का। चलो, मुझे लगता है मैं माउथ गार्ड छोड़ के आया। अभी उसकी क्या जरूरत है? गोलियां दिया था मुझे, मैं जल्दी लेके आता हूँ। दो मिनट। कोलिंका, तुम्हें मालूम है कि तुमने क्या किया है? अपने हाथों को देखो, इन्हें कुछ हो जाता तो? क्या तुम सब कुछ भूल गए? तुमने क्या अपने बारे में सोचा नहीं? तुमने क्या मेरे बारे में सोचा नहीं? क्या हमारे बारे में नहीं सोचा तुमने? तुम क्या पागल हो गए हो? कोलिया, क्या है? अवार्ड में कितना मिलने वाला है? पता नहीं, क्यों पूछ रही हो? बताओ तो सही। इतना पैसा मिलेगा कि मुझे थोड़े दिनों के लिए पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या तुम मेरे लिए एक तोहफा ला सकते हो? क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? मैं अपने दोस्त के साथ एक प्रेजेंटेशन पे गई थी, वहाँ एक कार मुझे बहुत पसंद आया। जैसे ही मैंने वहाँ पे वो गाड़ी देखी तो मुझे लगा कि ये मेरा ही गाड़ी है। ये तुम्हारे लिए खरीद सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जानो। क्या ये चैंपियन अभी भी मुझ पर काबू पा सकता है? मेरे में अभी भी एनर्जी बाकी है। बेब, नीचे पुलिस वाले आए हैं। पुलिस वाले? हाँ, हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आता हूँ।
रियलिटी शो निकोले? हाँ जी। मैं हूँ चीफ इन्वेस्टिगेटर तोरिन सर्गी अलेक्सीविच। आपको जुल्म ठहराया गया है क्योंकि आपने शारीरिक हार्म पहुंचाया है। कल कंपटीशन के बाद आपने कुछ लोगों को चोट पहुंचाया है और उसमें से एक इंटेंसिव केयर में दाखिल किया हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इनकार नहीं करेंगे, बेहतर ये होगा कि आप मेरे साथ चलें। तो चलने के लिए आप तैयार है ना? बढ़कर है। बस बस बस, अभी के लिए इतना काफी है। तीन साल के बाद तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। तुम भी उतना खास नहीं लग रहे हो। कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ। अब भी ये पुराना कार चला रहे हो? हाँ, इसका मजाक उड़ा रहा है तो मेरा मजाक उड़ाने के समान है। क्यों, जिम चल रहा है क्या? पहले घर चलते हैं, जिम बाद में चला जाऊंगा। तुम्हारी गाड़ी भी साफ है और घर भी साफ है, जाके रेस्ट लेना भी। तो कुछ गलत मत सोचना, मन में मत रखना। थैंक्स यार। तुमसे कल मिलूंगा। हाँ ठीक है। राइट साइड में पंच करना है, ये भूलना नहीं।
अगर सीधे जाएगा तो। हेलो सर। हाय। हाँ अपना काम करो, मैं अभी आता हूँ। हाय यार, कौन है? कोलिया, कैसा है मेरे भाई? कैसा है, कैसा है तू? बहुत दिन हुआ तुमसे मिलके। सही बोला, वक्त जल्दी निकल गया। अरे अंदर। हाँ, पहले मैं वादिक से बात करना चाहता हूँ। इस समय वो किधर होगा? हाँ वो नीचे कहीं होगा, अभी गया। ठीक है, मैं मिलके आता हूँ, कुछ बात करनी है। एंड्रे के बारे में इतना चिंता क्यों करते हो? स्पॉइलर के साथ एक फाइट ऑर्गेनाइज करते हैं ना। क्यों नहीं, कितने दिन वो जिम में ट्रेन करता रहेगा। एंड्रे के साथ आज तक तूने एक भी स्पैरिंग नहीं ऑर्गेनाइज किया, तुम डरते हो है ना? ना, अभी उसका वक्त नहीं आया। कब आने वाला ये वक्त? अजय का बुरा मत मानना, तुम्हें पता है कि चाइनीज लोग क्या कहते थे, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। देखते हैं, सोच के बताना। ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। बाय। बॉक्सिंग बेटिंग की रिपोर्ट आप देखना चाहते हो? बॉक्सिंग बेटिंग रिपोर्ट है क्या? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तुम कमाल की हो लेज का। कैसे हो वादिक? यूलिया अभी तुम जा सकती हो। कोलिया मेरे भाई, बहुत साल हो गए यार तुझे मिले हुए, कैसे हो? ठीक हूँ, जेल से मुक्त हो गया। तो फिर क्या प्लान है बताओ मुझे। आपका टीम में वापस आना चाहता हूँ। मेरी टीम में? आपके बंदों के साथ ट्रेन करना चाहता हूँ, तब आप खुद देख लीजिए। पक्का ना? जी जरूर। चलो फिर से करते हैं, टाइम जा रहा है। यूं छोड़ा बीच में, चलो दोबारा करो। सो क्यों रहे हो? जाते रहो, जाते रहो, जारी रखो, जारी रखो। तुम्हारा सांस को बरकरार रखो, इसके बारे में मत भूलना। खत्म होने के लिए दो मिनट और बाकी है, चलो चलो कॉन्सेंट्रेट करो, ऐसा मत रखो, डाइव करो। अरे यार एक ही पोजीशन में मत रहो, डाइव करो। अरे यार कोने में क्यों खड़ा है, एक ही जगह पे खड़ा मत रहो, एक्टिव रहो, एक्टिव रहो। कर क्या रहे हो तुम? यहां से हटो, कोने में खड़ा मत रहो। बोलिया तुम गिर में हो, उस जगह से गिरो, जरा संभल के, बड़े अच्छी तरह कर रहे हो, आगे बढ़ो। हाँ फिर से करो। अरे वाह, फर्स्ट क्लास, मस्त। यहाँ देखो सब ठीक है ना? तो फिर चलो जल्दी, चलो करो करो करो, थोड़ा और बाजू हट के करो। और थोड़ा स्टाइल बदलो, करते रहो करते रहो। तुमको कोई परेशानी है क्या? मैं ठीक हूँ। चलो चलो, खड़े खड़े सोने का नहीं, खड़े खड़े सोने का नहीं। अबे ऐसे करेंगे तो जीतेंगे नहीं, अपना मन और सोच को कंट्रोल करो। अरे कर क्या रहे हो, जागो जागो, उठो उठो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, और जोर से मारो। बोलिया अरे प्लीज अपना स्टाइल बदलो यार, तू सोते क्यों हो? हाँ ठीक है, अभी एक लेग किक मारो। अरे यार उठो यार, जल्दी लपक पड़ो, जल्दी लपक पड़ो, कम ऑन।
मैंने बताया ना उसको पहले तुमको पटकने दो। उठो 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 उठो। तुम चिंता मत करो, सब तेरा बस वापस आएगा। ध्यान से सुनो, अपनी अपनी जोड़ियां बदलो, बराबर बराबर मस्त। अब क्या, तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं फाइट कराऊं तो मैं करवा सकता हूं, घबराने की कोई बात नहीं। खोलिया तुम अकल मंद हो, तुम्हें सब समझ लेना चाहिए। मिक्स मार्शल कंटेस्ट हारना और टेनिस का मैच हारना एक नहीं है, एक नॉकआउट में खत्म हो सकता है अगर भगवान की कृपा रही तो एक और। फोकस करो, फोकस करो। अभी के लिए दुआ करते हैं और स्टाफ रूम चलते हैं। अरे फोकस करो, बाजू उठो, बाजू उठ के करो। बोलिया लगेगा, लग जाएगा। तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर है ना, कॉल करना। अपना मन को और अपना विचार को फोकस करो, अपना सोच और मन को फोकस करो। हाँ बराबर बराबर। क्या हुआ, तुझे जाने दिया कि तू भाग गया वहां से? उन्होंने मुझे जाने दिया, मुक्त हो गया। तू तो वहां से मुक्त हो गया, लोग का तो तुझे वहां पे अभी भी स्वागत करता है। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। हेलो कोलिया। हेलो। सुनो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मत खड़ा कर देना। उस बात का 3 साल बीत गए हैं, हमारे रिलेशनशिप के बारे में मैं बात करना नहीं चाहता। तो क्या अब सब ठीक है? सब ठीक है। तो फिर मैं जाती हूँ। कैसा है भाई? बहुत अच्छा हूँ। इधर कब से ठहरा है तो? मैं सोच रहा था कि जब से बोरिया गया है मुझे कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, तो मैं अपने हाथों में चीजों को लेने लगा। मुझे लगा कि तुम्हें वैदिक वापस जाना चाहिए। चाहता तो हूँ मैं, लेकिन हो नहीं पाएगा। लेकिन ये तो हम सब के साथ आज कल होना ही है, है ना? देखो तुम्हें सब कुछ निकल जाएगा। तुम वर्कआउट करने कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें एक कोच की जरूरत है? कोई कोच के बारे में सोचता तो होगा ही। सुनने के लिए तो अच्छा लग रहा है। चलो एक चाय पी जाए मेरे घर जाके। देखो सुनने के लिए तो ये भी अच्छा लग रहा है।
सब सही लग रहा है। एक और सन्या, बहुत अच्छे। थोड़ा दूर रह के मारो वे। क्यों नहीं, हमें लोका को लेना चाहिए। लोका? अरे हमें सान्या को लेना चाहिए, वो तो अच्छे से फाइट भी नहीं कर रहा है। हमें फाइटर की जरूरत नहीं है, बस हाथ और पैर हिलाना चाहिए, बस एक दो तीन और क्या। इस हालत में अगर ये पिट के अंदर जाएगा तो वो इसे मार डालेगा। तो क्या हुआ? तू तो मेडिकल स्कूल गया था ना, जरा चेक करना इसको। एक्चुअली मैं जानवरों का डॉक्टर था। उसमें क्या फर्क है, इंसान और जानवर में ज्यादा अंतर नहीं है, देख ले एक बार। शांत हो जाओ, ठीक है, लिगामेंट्स तो ठीक लग रहे हैं। ओके हाय ब्रो, हेलो। देखो एक लेटर आया है, गेम प्रेजेंट करने के लिए हमें बुलाया गया। कौन सा गेम? हाय, जब तुम वदीम के साथ काम कर रहा था, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बना था जिसमें गेम डेवलपर को टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन की इमेज यूज करने अलाउ किया था, उसने टॉमी और तुम्हारा पोर्ट्रेट भी बनाया। मैंने अपने आप को किसी कैरेक्टर की तरह एक गेम में नहीं देखा है। मैं देखूंगा। चलो तो फिर देखते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। यूरेक, जरा इधर आना। जेंटलमैन, एक नया गेम कंसोल फायरबॉक्स और प्रोफेशनल लीग ऑफ एमएमए मिलकर पेश कर रहा है एक नया गेम जिसका नाम है ई फ्री फाइटिंग, और मुझे लगता है कि उसके लिए किसी तर्जमे की जरूरत नहीं है। और इस गेम शो में आएंगे प्रोटोटाइप जो कि रियल फाइटर्स होंगे और वर्ल्ड क्लास स्टार्स होंगे। मिगेल मालियुचिन, आर्टियोम मानोवालोव। तुम्हारा क्या कहना है? बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। जी हाँ, तक इसका आंद्रे प्लाटोव, निकोलाय कुतुजोव, हमारे खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं यहाँ पे। निकोलाय स्मोलिन, इसमें तो पूरी तरह से हम ही जीतने वाले हैं। प्लाटिकोव, बोलियो, तुमसे मिलने को इधर आया, चलो जाके मिलते हैं। पर देखिए सब, हमें अब एक वर्चुअल बैटल दिखाई दे रहा है दो एब्सोल्यूट चैंपियंस के बीच में। जी हां, मेघालय और एक्टियोम के बीच। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूं सिंगर नटालिया व्लासोवा से, ये है निकोले हमारा चैंपियन। इन्हें कौन नहीं जानता। नाइस टू मीट यू। मैं आपको काफी सालों से फॉलो कर रही हूँ। सच में? हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। टोनी टोरेस के साथ जो आपका फाइट था वो बहुत ही अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही है। आप काफी स्ट्रॉन्ग और टफ थे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमेशा। हाँ, वो तो मैं हूँ। सच में फैंटास्टिक है। मैं आपको गाते हुए सुनना चाहूंगा। आप मेरे पार्टी में आइए, वहाँ म्यूजिशियन के साथ मेरा परफॉर्मेंस है, आप देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो। सुनना जरा, तुम्हारे पास 3,000 होंगे क्या? मुझे थोड़ी सी जरूरत है, प्लीज देना। तू फिर से हार गया? नहीं यार, लेकिन मुझे गेम खेलना ही नहीं, अगले 10 साल तक नहीं खेलूंगा। अभी देना। अरे चल ना, देना, हम जीत सकते हैं। चल चल ना, हम जीत सकते हैं। अभी अभी बस अभी आते हैं। अगले चैंपियन के साथ लड़ने के लिए कौन तैयार होता है यहाँ पे? ओ देखिए, यहाँ मैं लेके आया हूँ हमारा नया चैंपियन। आप तैयार हैं? बैम, मारो मारो, थोड़ा जगह छोड़ के, जगह छोड़ के, अच्छा सा देखिए, स्ट्रेट सीधा सीधा मारिए, मुंह पे इसको। हाँ, छोड़े मत, उसे छोड़ना मत, आगे पीछे पीछे लगा के मुक्का चला दे। फिर से दोबारा पंच कर, मार, हाँ, रुकना नहीं, तोड़ता रहे, मार। ओ सही किया यार, देखो। और कौन करना चाहेगा? मुझे आपसे बात करनी, थोड़ा व्यस्त हूँ, बात मत करो। हाँ तो कहाँ थी? और कौन लड़ना चाहेगा? अरे देख कर, देख कर, आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पे एक नया कंटेंट आ रहा है। जल्दबाजी मत करो। सही खेल रहे, बिल्कुल। ये थोड़ा सा अलग है,
वर्चुअली थोड़ा सा लग हाँ मार 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 कोई बात नहीं हम दोस्त होता है चलो इधर मत आओ हमारे चैंपियन को मुबारकबाद देते हैं हम हेलो मेरी जान हाय माँ कैसे मैंने कहा था ना मुझे ऐसे ना बुलाएं पहली बात मैं तुम्हारी माँ नहीं दूसरी मैं इतनी बुढ़ी भी नहीं हूँ और कितने बार मैंने तुमसे बोला है कि मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे कॉल किया मत करो मैं अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग गई थी वो चाहे तो सब कुछ खरीद सकती थी लेकिन मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है मैंने बैंक में कॉल किया तो वो कहते कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाले गए थे मैंने तुम्हारा एक दिन का लिमिट 300,000 रखा है तो अब मैं क्या करूं क्या मैं बिना खाए मरूं वही चाहते हो क्या तुम क्या मैं खाने के लिए रोटी भी नहीं खरीद सकती ठीक है मैं कार अनब्लॉक करता हूँ जाके रोटी ले लेना थैंक यू क्या आप घर जा रहे हैं नहीं मैं तो बस मेरा फोन लेने आया था कोर्ट में ही भूल गया क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं जी जरूर कर सकते हैं आप आए हमें बहुत खुशी हुई हमें तो लगा था कि शायद आप आएंगे नहीं फिर भी मैं यहाँ हूँ इनकी निर्मे बहुत ही अच्छा स्टेक है क्या मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूँ उनके पास अच्छा स्टेक्स नहीं होता क्यों ना हम स्टेक साथ में खा लें
अगर तुमने ये डिश रेकमेंड किया है तो खुशी से खा लो। नताशा, तुम मुझसे ऐसे भागते क्यों रहते हो? क्या तुम इसे जानते हो? ये है किरिल। ये किरिल कौन है? ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड है। अच्छा तो सुनिए, हम इधर एक साथ डिनर कर रहे हैं, ड्रिंक भी लेंगे, आप ज्वाइन करना चाहोगे? क्यों नहीं, आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने क्या किया? माफ कर दीजिएगा, गलती से हो गया। क्या मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, छोड़ दो ना। क्या हम मेरे घर जा सकते हैं? वहाँ पे ऐसा करने वाला कोई नहीं आएगा, और वैसे भी मेरा कुकिंग इधर का जितना बुरा नहीं है। ठीक है, चलते हैं। आइए, यही मेरा घर है। काफी सुंदर है, विश्वास नहीं होता। मैं कपड़े बदल के आता हूँ, तुम आराम से बैठना, मैं जल्दी आऊंगा। ठीक है। क्या तुम डिनर खाना चाहोगे? देखा, ऐसे पकड़ के स्ट्रेच करना है या फिर हील फ्लैपिंग जंप करना है, लगा तो नहीं? कालिया, चल प्रैक्टिस कर ले। दो दो लोग एक साथ करना, ठीक है? देखो, यहाँ पे तुम्हारे लिए एक सजेशन आया है। बात यह है कि वो एक प्रमोटर है, वो स्मॉलर के साथ आया, एक अच्छा फाइटर है। हाँ, मैंने सुना। और वो स्टेट जा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और एंड्रयू फ्लैटो वहाँ फाइट करने वाला है, और वो किसी को ट्रेन करना चाहते हैं जो उसे जीत सके। तुमको बात समझ में आ रही है ना? आइडिया अच्छा है, तो ठीक है, चल के बात करते। ठीक है। किसी को जानते हैं? मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ निकोले से, हमारा चैंपियन, और ये है अलेक्जेंडर, हमारा प्रमोटर। आपके बारे में सुना है, आपसे मिलकर खुशी हुई। और मैं आपको फ्यूचर चैंपियन से मिलाता हूँ, ये है विक्टर। ये एक हिस्टोरिकल मीटिंग है, एक पुराना चैंपियन फ्यूचर चैंपियन से मिल रहा है। चलिए फिर हम निकलते हैं। आपको तो पता ही होगा एक चैंपियन बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है ना? ओह यस। हम ये प्रतियोगिता जरूर जीतने वाले हैं, और फाइनल राउंड के लिए हमारे पास एक स्पेशल वेपन है, और फाइनल राउंड में हिस्सा लेने वाले हैं अपने फिलेटो, और मुझे यकीन है कि वो जीत पाएंगे। अभी तक तो सभी चीज़ें ठीक से चल रही हैं, हम फाइनल राउंड के लिए रेडी हैं, और वो वेगस में होने वाला है, और समय आने पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जरा समझा सकते हो कि अभी किस हालत में? हमारे बंदे सब बढ़िया है और अच्छे शेप में हैं, कॉन्टेस्ट के लिए रेडी भी है। अगर बंदे सारे सब बढ़िया है तो फिर पिछली बार क्यों हार गए? काम करना पसंद है यहाँ पे, तकलीफ क्या करो? मेरे पास एक सुझाव। हाँ चलो। मुझे निकोलोव के साथ एक फाइट चाहिए। कुट्रेव के साथ उनकी नहीं है। इसमें कोई समस्या है? हाँ, बहुत ही बड़ी समस्या है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है प्रोफेशनल फाइट लीग के साथ, और हमारे हाथ बंधे हैं।
तो मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। अपना दिमाग इसमें मत लड़ाओ। प्रोफेशनल फाइट लीग के बिना तुम यहाँ लड़ ही नहीं सकते। अगर तुम्हें चोट लग गई और तुम्हारा नाम कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में नहीं है तो इतना फाइन डालेंगे कि तुम्हारे पास मेट्रो टिकट खरीदने के पैसे नहीं होंगे। एक बार फिर सोच लो। वादन, कोई भी कीमत में मुझे ये फाइट चाहिए। एंड्री कुरियोश के बारे में अभी मत सोचो, वो डूबा हुआ जहाज है। 3 महीने बाद आने वाली फाइट के बारे में सोचो, समझे? चैंपियनशिप टाइटल बेल्ट के लिए फाइट करो, फिर दिखाएंगे कि असली चैंपियन कैसा होता है, समझा? अरे क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। चल ये सब दिमाग से निकाल। तुम्हारे हाथ बहुत तेज चलते हैं। हाँ मुझे पता है। चाहिए तो मेरे फाइट करने का तरीका दिखाओ। अच्छा तो देख लेते। तो इसमें क्या, ये अच्छा होल थोड़ी है। ये अच्छा था, बहुत अच्छा टेक्निक। बुरा नहीं है। एक शॉट मारो। तो गधे, मेरा पैसा कहाँ है? मैक्सिम, तुमको ये पैसा इस हफ्ते के अंदर ही आ जाएगा। अबे मैं पूछा मेरा पैसा कहाँ है? मैक्सिम, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। क्या ये हफ्ते में? तुमको तो पैसा मेरे को 1 महीने में देना था। मैं सच्ची में आपको ऐसे बुलाने? आप लोग चुपके हमारी बातें सुन रहे, आप चले जाइए। मेरा पैसा दे बे। क्या है इस बैग में? इसमें पैसा नहीं है, मेरा नोटबुक ही है। तो तेरा नोटबुक दे। नहीं, तुमको समझ में नहीं आ रही क्या? सुनो, इस आदमी को अकेला छोड़ दो। तुमको समझ में नहीं आया ना, तो अपना रास्ता नापो ना, इनको ले जाओ। वह रास्ता खाली कर, चल। बड़ा पहलवान निकले। चाको अंदर रहो, मैं बता रहा हूँ ना, चाको अंदर रहो। अबे ओ ड्राइवर, तू बाहर बाजू हट। अच्छा संभल के बोलो ना। जाओ,
कैसा चल रहा है सब? वो आप खुद ही देख लीजिए, अपने पूरे मूड में नहीं है वो। सुबह किसका शक्ल देखे हो पता नहीं, वो मस्त है। रुको रुको रुको, आ जा पीछे आ जा, जाके रेस्ट ले जाओ, बहुत हो गया। तो ठीक है ना? ऐसे बच्चों के साथ और नहीं फाइट कर सकता, कोई टफर है तो बताना। व्लादिमीर तुम इसके साथ जाओ। एंड्रोशन से ज़रा ध्यान से रहना, ओके? इतने सारे पार्टनर्स कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा? बाकी ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम चलो अभी यहाँ से। ऐसे क्यों बच करता है यार? अरे देख देख के बॉडी को हिला और यहाँ से हटा। अच्छा बहुत अच्छा। मैं तुम्हें पैसे क्यों देता हूँ? मेरा स्पेयरिंग पार्टनर कहाँ है? गुस्से में क्यों? मैं ऊपर आकर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ क्या? ठीक है, जरा जरा काम करते रहो। देखो आरटीएम का काम जारी है। इसको ही बोलते हैं एक लो किक। तुमने तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। तुम अपना पैर का इस्तेमाल अच्छे से कर लेते हो, ये टेक्निक मुझे दिखाओगे? ठीक है आ जाओ। इसको बोलते हैं लो किक। इसको जरा हेल्प करो रे। मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। वो छोड़, कैसा है तू? मैं ठीक हूं। लेग किक्स पे काम करने के लिए बोला था ना, किया या नहीं? तुम्हें पता है, तुम भाड़ में जाओ अपने लेग किक्स को लेके। पहले उसे फर्स्ट एड के लिए ले जाओ, उसका एक एक्सरे निकाल लेना, शायद फ्रैक्चर होगा। हेलो हेलो, ये जो बंदे को जो कीच को ले गया ना, वो कौन है? वो यहाँ का भविष्य का चैंपियन है, लेकिन अभी तक उसका भविष्य नहीं है। तुमको क्या चाहिए? वैसे तो मेरे को वर्कआउट करना था, मैं एक चैंपियन बनने का सपना देख रहा हूँ। अच्छा, इनके जैसे? नहीं, इनके जैसे नहीं। ओ, तब ठीक है। कोलिया, एक अच्छी खबर है, क्या एक और बंदा है जो चैंपियन बनना चाहता है। हेलो, तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? बढ़िया है। हाँ नहीं, यहाँ माफी मांगने के लिए आया हूँ, ये एक अच्छी शुरुआत है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मैक्स। मैं अपना पुराना सब भूलने का कोशिश में हूँ, मुझे अपने जिंदगी में कुछ कर दिखाना है। मेरे को स्पोर्ट्स के सिवा कुछ आता नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ वर्कआउट करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना मजेदार बात, तो आप लोग कहाँ मिले थे? वो एक टाइम की बात है। वो सब पुरानी बातें, अपने जूते उतार के रख दो। अच्छा ठीक है। तुम्हारा बाहर का बूट यहाँ नहीं पहनना। आर्टियोम, मैक्स, निकोलाय, मैक्स, मैक्स, कपड़े बदल के आना। एक स्ट्रोक क्यों हार जाता है तू? मैं स्ट्रोक हार नहीं रहा हूँ, मैं पंच के साथ रोल कर रहा हूँ। ऐसे पंचस रोल नहीं कर सकता है,
समझा कर, हमारे सिर एक जैसे हैं। उसी वजह से मैं कह रहा हूँ पुल अ पंच, सिर्फ एक बैंग और फिर नॉकआउट। चल मार मुझे, देख मैं कैसे डक कर रहा हूँ, ऐसे ही तुम्हारे पंचेस में मिस करूँगा। बच्चे तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, बॉक्सिंग जो है एक मार्शल आर्ट है। आर्ट तो थिएटर में होता है भाई, यह जिंदगी है, समझ में आया? और तुम्हारा बच्चा कहाँ है तुमको पता है ना? चल चल मैक्स, काम पे ध्यान देते हैं। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, पहले तुम मेरे सर पे ठीक से पंच करना। देख मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा पंच देखते ही मैं सर दूर कर देता हूँ। देखा तुमने, एक ही जगह अगर तुम खड़े रहोगे पंच सीधा मुंह पे आएगा और नॉकआउट हो जाओगे। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि पुलिंग अ पंच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉ की तरफ पंच आएगा तो भी तुम ऐसे शोल्डर को हिला सकते हो और फिर वापस पंच कर सकते हो, समझ गया ना? ऐसे ऐसे पुल आउट करते हैं, हाँ वही करना, ठीक है? हाँ समझ गया, अब इसके साथ काम करना। हाँ मैं समझ गया। लुक त्योमा, जब भी तू पंच थ्रो करता है ना, ऐसा करेगा तो वो सर पे मारेगा, इसीलिए थोड़ा टर्न करके ऐसे मारना चाहिए, तब उसका हाथ तुम तक नहीं पहुंचेगा, समझ गया? तू अच्छे से पंच करना यार, तेरे पंच में दम है, सिर्फ ये याद रखना कि थोड़ा टर्न करके कर। हाँ बस सुंदर दिख रहे हैं। प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू। एक बार ट्राई करके देखना। कैसा है? बहुत ही अच्छा है, जरूर आप बहुत ही अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं। देखो मैं समझता हूँ कि एक आदमी को 90 साल तक शादी कर लेनी चाहिए, तब तक एंजॉय करना है। सुनो तुम लोग, क्या कर रहे हो? तुम लोग प्रोफेशनल्स हो कि नहीं? करने के पहले सोचना था ना, प्रोफेशनल्स बनना इतना आसान नहीं है। आपका भविष्य का चैंपियन ऐसा लगता है कि वो काफी नहीं है, आप उनको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। उसने जाके सर्जन से बात किया है, खामखा बोलने के लिए पागल हूँ क्या मैं? और उसको एक साइकेट्रिस्ट भी दिखाइए। मैं यहाँ पंगा ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ, पर तुम लोगों को समझाने के लिए आया हूँ कि इसके आगे मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, समझे? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझ लेना, और आगे से ऐसे कोई हरकत मत करना। पागल, अपने जूते भी नहीं उतारता, पूरा अरे छोड़ ना उनको, भूल जाते हैं अपन लोग, वर्कआउट करते। ये कनिंग पंच है, देख ये लो किडनी पंच। हेलो, बिजी हो क्या? जिस पोजीशन में मैं अभी फंसा हूँ, अगर इस पोजीशन में तुम लोग फंसोगे ना, मैं ऐसा चांस मिस भी नहीं करूंगा। अगर टांगे क्रॉस किया हुआ है तो फिर तुम्हें ऐसा करना चाहिए। फिर उसको एस्केप कर सकते हो।
बहुत अच्छा किया, ब्रावो। थैंक यू गाइस, लेट्स वर्क आउट। तुम लोग आज क्यों रहे? कोलिया, एक मिनट तुमसे बात करना है। वो हमें इनवाइट कर रहे हैं एक नए कॉम्बैट में शामिल होने के लिए। एक टीम फाइट है। ये क्या फाइट है? ये एक नए किस्म का कॉम्बैट है, इसको स्पार्टा बोलते हैं। ये एक पतले केज में होता है, 2/10 का। इसको थर्मा पहले के नाम से जाना जाता है। कुछ तो नया है। हाँ एकदम, उनका अपने रूल्स है। 4 जनों से बना 8 टीम होता है उधर। और ये एक नॉकआउट सिस्टम है, जैसे ही फाइटर जमीन को छूता है वो आउट हो जाता है। आप चाहे तो इस खेल में पंच कर सकते हैं लेकिन रेसलिंग नहीं कर सकते। तो अब उन्हें याद आया कि बॉक्सिंग के बारे में सब कुछ। यहाँ पे हमें 4 जन की एक टीम बनानी पड़ेगी। एक तो तू है, फिर ये और मैं। ठीक है दोस्त, मैं चौथा रहूंगा। होगा लेकिन मेरे बिना होगा, ठीक है ना? आपको मेरे को कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा सुनो, जो मैंने बोला था खत्म नहीं किया। वो एक अच्छा अवार्ड भी दे रहे हैं और हम अपना फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा एक बात मालूम है, मैं शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ अगर कोई मेरे को पैसा दे रहा तो। मैक्स जस्ट काम डाउन। क्या तुमने लेटेस्ट न्यूज़ देखा? कौन सा न्यूज़? नहीं देखा? कोलिया ने विक्टर के टांगे तोड़ दी। स्टेट्स में होने वाले मिक्स मार्शल आर्ट्स में यही आदमी तुम्हारे अगेंस्ट खेलने जा रहा है। कहां से मिलता है ऐसा न्यूज? न्यूज़पेपर में पढ़ा। तुम कुदरत शो पे इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? मैंने बस सोचा। तू सोच भी लेती है? तो ठीक है, तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूं मैं। मुझे भी तुमसे बात ही नहीं करना था भाई। हाँ, तुमने स्पार्टा के बारे में सुना? क्यों, क्या हुआ? नया टूर्नामेंट आ रहा है, कुद्रशोव को एक टीम मिल रहा है। तो फिलतो का क्या? फिलतो वो तो वादी के बिना कुछ भी नहीं बोलता है, पता है ना? वो भी सही है। हमें अपना स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहिए। अब डिस्कस करने के लिए क्या? उनको मरोड़ कर रख देने का? मैंने तो तुम लोगों को पहले ही कह दिया था। समझा नहीं? तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे यार मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हमें पहले लिस्ट तैयार करनी है कि कौन किसके पास जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मेरे हिसाब से टॉनी पहले जाना चाहिए क्योंकि बहुत तेज है। या मैक्स, मुझे उस पे बिल्कुल। ये हुई ना बात, मेरे को पता था ऐसा ही होगा।
हाँ हाँ मैं समझ गया, मैक्स ये काम बहुत ही बढ़िया कर सकता है कि हाँ हाँ वो सही है। इस बात पे सोचेंगे। तुम लोग मेरे को ऐसा क्यों देख रहे हैं? सही तरह से कहना होगा, ये एक टीम चैंपियनशिप है, जिसका मतलब है कोई एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट फाइट नहीं। सुन रही हो फाइट फाइट हो गई है। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको देखिए स्ट्रेस लेना पड़ेगा यहाँ पे, ऊपर नीचे में काम। देखिए पूरी तरह से यहाँ पे नजर हटी लगेगी, यहाँ पे देर लगेगी और देर नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से फाइट होना। आप होते हुए Bye.
लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए आप कौन आ रहे हैं हमारे बीच में, ये प्रतियोगिता उसने हारे नहीं, आप सही बोले हैं। अब देखने में यही मजा आएगा कि निकोले के साथ वो कैसे प्रतियोगिता को आगे बढ़ाकर जारी रखेंगे इसको, क्योंकि एमएमए की दो महारथी एक साथ आ रहे हैं आज। एक अलग ही अनुभव है जी। हाँ, ये पाटक के सर को पूरी तरह से उठा देता है चैंपियनशिप के तौर पर। शैतान का इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे हमेशा से पता था। एंड्रयू को कितने के लिए आप दांव पे चढ़ाया? क्या एंड्रयू को कितना भाव पे चढ़ाया? क्या गेम खेली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये है स्पार्टा लाइन। क्या बेवकूफी, हटो 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 रास्ते से। क्योंकि ये स्पार्टा है जी हाँ, एक और नई दुनिया लाएगी पूरी तरह से नई। हाँ बिल्कुल हाँ, एक के बाद एक दूसरों के बौछार हो रहे हैं, कितने जल्दी अपने प्रतियोगी को जमीन में लाए। यहाँ ये जीत है बिल्कुल पूरी तरह से एक दूसरे को बधाई देते हुए।
आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं एक अद्भुत शो जो है फाइनल राउंड। दो टीम के बीच में ब्लैक टाइगर्स और व्हाइट शार्क। स्वागत कीजिए। We'll be right back.
टूट गया, क्या वो मिक्स मार्शल आर्ट में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर पाएगा क्या? लेकिन मेरे को पूरी तरह यकीन है कि वो कहीं नहीं जा पाएंगे, लेकिन निकोलाय कुदिनशोव जाएंगे जरूर लास वेगास। निकोलाय कुदिनशोव लास वेगास जाएंगे फ्लैश टैगर्स के साथ, यह देखना ना भूलिएगा, उनको पूरी तरह लास वेगास में बोल जाएंगे, यह है फन। हम थोड़ा अपना डिस्कस करें कॉन्ट्रैक्ट के लिए, चलो चलो आ जाओ भाई, बाकी पुरानी बातें दिन में मत रखिए यार, बोल छोड़ दे छोड़ दे। मेरा नंबर आप जानते हो क्या? हाँ, कॉल करना। ठीक है चलिए। थे यार, कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा तुम लोगों का, चलो चलो जल्दी करो। कमाल का है यार, पेंटिंग्स देखेंगे, विंटेज कलेक्शंस की, सब फ्री, देखो देखो फ्री। हाँ हाँ, लास वेगास शहर के असली कला देखते आ जाओ। लास वेगास जाने से पहले ये है स्पार्टा, कोई दया की जगह नहीं है।